लॉकडाउन के दूसरे चरण में शुक्रवार को महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। इस दौरान शहर में बिना पास और मास्क के आने वाले लोगों को वापस किया गया। शहर में अनावश्यक घूमने वाले लोगों को एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर सजा दी गई और सभी लोगों से अपील की कि बिना मास्क के घरों से ना निकलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी में सुरक्षा ही दवा है। आप सुरक्षित रखें तथा समाज को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन जो अभी 3 मई तक चलना है, इसके शहर में जितने भी नाके उन पर सब पे पालन कराया जा रहा है। जो भी लोग अनावश्यक लोग बैठते हैं उनके खिलाफ सख्ती की जा रही है, उनकी गाड़ियां भी सीज हो रही हैं, अब उनके खिलाफ अभियोग पंजीगत विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। सर, कुछ लोग फालतू घूम रहे हैं उसके लिए क्या पंजीगत? निश्चित रूप से फालतू जो लोग घूम रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते बैठाला जा रहा है, उसके बाद उनको थाने ले जा रहा है। थाने में स्क्रीनिंग की जा रही है, जो लोग वास्तव में बेफालतू बिल्कुल घूम रहे हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। बाकी लोगों को मुचलके पे छोड़ा जा रहा है। इनके वाहन का सी जो चालान जैसी जो परिस्थिति है उनके अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या अपील आपके द्वारा? अपील यही कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है, सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार जब तक लॉकडाउन को
चला रही है तब तक उसके नियमों का पालन करें। महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय लॉकडाउन का पालन ही है, तो नगरवासियों से विनम्र निवेदन है कि कम से कम लॉकडाउन की जो भी शर्तें हैं उनका 100% पालन करें, जिससे इस महामारी से शहर को बचाया जा सके।